मंदसौर में पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने अनूठा प्रयोग किया है। 5 पेड़ों को नए कलेक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट किया गया। हालांकि यह कितना सफल होगा यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन जिला प्रशासन का यह प्रयास प्रशंसनीय है। जिला प्रशासन की टीम ने पुरानी जिला पंचायत परिसर में लगे 5 पेड़ों को ट्रांसफर किया है। इन पेड़ों को नवीन कलेक्ट्रेट भवन परिसर में शिफ्ट किया गया है। SDM बिहारी सिंह, तहसीलदार मुकेश सोनी के नेतृत्व में इन 5 पेड़ों को एक एक कर पोकलेन, JCB मशीन और क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। इसके बाद इन हरे भरे पेड़ों को ट्रक से नवीन कलेक्ट्रेट भवन परिसर लाया गया, जहां पहले से खोदे गए गड्ढों में इन पेड़ों को लगाया गया। वृक्षारोपण से पहले कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मियों ने वृक्षों की पूजा की। इसके बाद वृक्षारोपण किया गया। इन पेड़ों को शिफ्ट करने का काम शहर के जाने माने समाज सेवी नाहरू भाई की देखरेख में किया गया। कुछ वृक्ष थे जिसमें एक त्रिवेणी का है, पीपल, बरगद और नीम का, एक जो काफ़ी पुराना है और लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो हमने कलेक्टर साहब ने यह तय किया, उनके मार्गदर्शन में तय हुआ कि इसको काटेंगे नहीं, इसका हम लोग पुनर्रोपण करेंगे। तो 15 दिन से ये कवायद चल रही थी, जो वैज्ञानिक आधार होते हैं, कटिंग करना, फिर नीचे गड्ढा बनाना और जहाँ इसको ट्रांसप्लांट करना है वहाँ भी समानांतर तौर पर कार्रवाई की जाने की। तो आज वो घड़ी आ गई है जब हम इस पौधे को यहाँ से ले जाकर वहाँ पुनर्रोपण करेंगे और विधि विधान से करेंगे। ज़िला पंचायत में जो पेड़ लगे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जीवित रहें ताकि पशु पक्षी इन पर बैठ सकें। तो हम इनको यहाँ से अच्छी खुदाई कर और व्यवस्थित इनको डंपर में ले जाकर और वहाँ कलेक्टर में इसको शिफ्ट करेंगे। माननीय हमारे AGM साहब, तहसीलदार साहब यहाँ सभी लगे हुए हैं और सभी हमारे MPP के लाइनमैन वगैरह सभी यहाँ मौजूद हैं और हम कोई भी काम व्यवस्थित कर रहे हैं। जितने भी पौधों की जान बचेगी, यानी इस पर पशु पक्षी बैठेंगे और हमारा ये पूरा प्रयास है कि ये पूरे जीवित जावे और जीवित वहाँ वापस हो जाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।